और आइए हम खोलें रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 1 से लेकर 4 आयत, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 1:1-4। पौलुस लिखता है यहाँ पर, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में, तो यहां पर पौलुस कहता है कि मैं उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया हूं जिसके बारे में भविष्य वक्ताओं ने पहले से ही लिख दिया था। यशायाह ने प्रभु यीशु मसीह के 700 साल पहले जन्म लेने से उससे पहले सब कुछ लिख दिया। परमेश्वर पिता ने उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर अपने पुत्र के जन्म लेने के बारे में, कुवारी जन्म लेगी, एक पुत्र को जन्म देगी, उसके बारे में भविष्यवाणी है। परमेश्वर का वचन भविष्यवाणी का वचन है, आमेन। और परमेश्वर के वचन में जो लिखा है पवित्र आत्मा की सहायता से लिखा गया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता के साथ था आरंभ से लेकर। पवित्र आत्मा परमेश्वर के दिल को जानता है, परमेश्वर क्या चाहते हैं। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा, इसी कारण हमें परमेश्वर के आत्मा को सुनना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर का आत्मा हमसे अलग अलग तरीकों से बात करता है, अपने वचन के द्वारा, सबसे पहले कहें वचन के द्वारा, दूसरा दर्शन और सपनों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा। हमारे दिल में वो कुछ बातों का कई बार बोझ देता है, उसके द्वारा भी वो बात करता है। हमारे अंदर वो किसी व्यक्ति के लिए बोझ दे देता है, तुमने इसके लिए प्रार्थना करना है, इसको कॉल करो, इससे पूछो तुम कैसे हो। सो अलग अलग तरीके से परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर डालता है। सो जो कुछ भी प्रभु के वचन में लिखा सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणी कर दी थी। 3 आयत, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्र आत्मा की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। हालेलुया। सो पहली चीज जो प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा होने के बाद इस बात को साबित किया कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, वो परमेश्वर है, वो आदि और अंत है, वो था, वो है और वो आने वाला है। आज दुनिया में जितनी घटनाएं हो रही हैं, आप ध्यान से सुनना, आज दुनिया में जितनी घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में परमेश्वर के वचन में पहले से ही दर्ज कर दिया गया है। अमोस की किताब में हम जाएंगे, अमोस की किताब उसका 3 अध्याय, अमोस उसका 3 अध्याय और उसकी 7 आयत, अमोस 3 अध्याय 7 आयत। सो प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेना, उनका क्रूस पर जाना, उनका मौत में से दोबारा जी उठना, ये क्रिश्चियनिटी का कह सकते हैं नींव है। प्रभु यीशु मसीह अगर मुर्दों में से जिंदा ना होते तो आप मैं यहां पर ना होते। ये हमारे लिए एक बड़ी स्पष्ट और बड़ी एक कहते एस्टैब्लिश बात है, प्रभु यीशु मसीह द रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से ना उठते अपने वायदे के मुताबिक, उनका हर एक वायदा फीका होता, उनका हर एक वायदा झूठा होता। और यही हमारी नींव है, यही हमारी जड़ है कि वो मुर्दों में से जी उठा और वो जिंदा है। अगर आप किसी मुर्दे के पास जाते हैं, क्या आपको उसमें कोई आशा नजर आती है? क्या आप उससे कोई वायदा ले सकते हो? क्या आप उससे अपने दिल की बात कर सकते हो? क्या कोई मुर्दा आपको कोई सांत्वना या कोई आशा दे सकता है? नहीं दे सकता, लेकिन जिंदा इंसान दे सकता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें आशा दी है, हमें जिंदगी दी है, क्योंकि वो खुद जिंदा है। अमोस की किताब 3 अध्याय और उसकी 7 आयत, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्य वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए हुए कुछ भी ना करेगा।
For the Lord God does nothing without revealing his secret to his servants, the prophets. क्या मतलब है? परमेश्वर जब भी कुछ करने लगते हैं अपने लोगों पे जाहिर करते हैं. कितनी खुशी की बात है हमारे लिए, हालेलुया. लेकिन उसके लिए सुनने वाले कान चाहिए ना भाई. प्रभु के वचन में क्या लिखा है? जिनके कान हो वो सुन ले. परमेश्वर का आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? आज लोगों के कान दुनिया की बातों पे लगे हैं, समाचारों पे लगे हैं, गुआंडियों के घर क्या हो रहा है, पड़ोसियों के घर में क्या हो रहा है, नानके में क्या हो रहा है, मेरी फुफू के घर में क्या हो रहा है, मेरी बहन के घर में, मेरे जीजे के घर में क्या हो रहा है, इन चीजों पे लगे हैं. लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये समय अपने कानों को इन चीजों पे लगाने का नहीं है, लेकिन ये समय अपने कानों को परमेश्वर की आवाज की ओर लगाने का है. हालेलुया. अगर आप परमेश्वर के तरफ अपने कानों को लगाते हैं ना, वो आपकी जिंदगी में क्या करने जा रहे हैं आपके ऊपर जाहिर करेंगे. वो कुछ भी नहीं करते बिना अपने लोगों को बताए हुए. यशाया को उन्होंने बता दिया, एक कुंवारी जन्म लेगी, लिख दे. उसने कहा ओके, पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखना शुरू कर दिया. एक कुंवारी पुत्र को जन्म देगी, प्रभुता उसके कंधों पर होगी, वो अद्भुत युक्ति करने वाला होगा, वो शांति का राजकुमार होगा, उसकी बादशाहत का कोई अंत नहीं होगा. वो सब लिखता जा रहा है, परमेश्वर का आत्मा उस पर होगा. अगर दूसरे अध्यायों में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, वो सब कुछ लिख रहा है. क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आवाज को उसने सुना. और परमेश्वर की आवाज को सुनना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमें अपने कानों को ट्यून करना है. हमें कहना होगा, बैठना पड़ेगा सुकून में, प्रभु आप मुझे बताओ मेरे भविष्य से आपका क्या मकसद है. और वो बात करेगा, लिखवा लें आप, वो बात करेंगे, क्योंकि वो जिंदा है. मुर्दा बात नहीं करता, लेकिन जिंदा बात करता है. और ये टू वे कम्युनिकेशन है, दो तरफ से आप बात करेंगे, वो आपको उत्तर देगा, वो आपसे बात करेगा और आप भी सुनेंगे. परमेश्वर ने अब्राहम को बताया, मैं क्या करने जा रहा हूँ, तेरे पीढ़ी 400 साल तक गुलामी में रहेगी, लेकिन मैं फिर से उनको छुड़ाऊंगा. हालेलुया. प्रभु हमेशा बाहर का रास्ता भी बता देते हैं, वे आउट क्या है, छुड़ाने का समय क्या है, छुड़ाने का तरीका क्या है, वो भी बताते हैं. प्रभु ने कहा तेरे लोग गुलाम होंगे, तेरी पीढ़ी गुलाम होगी, लेकिन मैं उनको छुड़ाऊंगा, क्योंकि मैंने तेरे से वायदा किया है. परमेश्वर ने जो दाऊद से वायदा किया, दाऊद से वायदा करने के कारण उसकी पीढ़ियां आशीषित हुई, क्योंकि वो जिंदा है. आमेन. प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए और मुर्दों में से जी उठे, ताकि उनके मुर्दों में से जी उठने के द्वारा हमारे पापों से हमें क्षमा मिले, और अब हमें अपने लेखों का कोई भी परमेश्वर को लेखा ना देना पड़े. आमेन. प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा परमेश्वर का और हमारा इंसान का रिश्ता फिर से बहाल हो गया. प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के द्वारा अब हम जो परमेश्वर से दूर हो गए थे और हमारा स्वरूप बिगड़ गया था, आज इंसान बिगड़ गया है. दुनिया में देखें आप, इंसान बिगड़ता जा रहा है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने इंसान के इस बिगड़े रूप को फिर से दुरुस्त करना शुरू कर दिया. हम भी बिगड़े हुए थे, हम भी अपने गुनाहों में थे, अपनी बातों में थे, अपनी भावनाओं से चलते थे, अपनी सोच से चलते थे, जो अच्छा लगता था करते थे, जो जैसा लगता था बोलते थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, उन्होंने हमारे बिगड़े स्वरूप को फिर से दुरुस्त किया और हमें सही लाइन में लेके आया. आमेन. आमेन. पौलुस कहता है मुझसे बड़ा गुनाहगार कोई भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, उसने मुझ जैसे गुनाहगार को बचा लिया. प्रभु यीशु मसीह में, जब प्रभु यीशु मसीह ने मौत पे जिंदा होने के बाद हमें नई जिंदगी दे दी, और प्रभु यीशु मसीह ही मौत से जिंदा नहीं हुए, मुर्दों में से जीवित नहीं हुए, लेकिन हम भी उनके साथ मुर्दों में से जीवित हो गए. मरकुस 16 अध्याय उसकी दूसरी आयत. और सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर जब सूरज निकला ही था, वह कब्र पर आई, तो कुछ औरतें कब्र पे आई और वो इत्र और सुगंधित वस्तुएं लेकर आई, ताकि प्रभु यीशु मसीह की देह को वो उस पे लेप लगा सके, उसको प्रिजर्व कर सके. और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लड़काएगा. सो ये औरतें कब्र पर आती है. आज हम देखते हैं कई लोग कब्र में जाते हैं. मैं कब्र में गई हूं,
मेरी मदर कब्र में गए हैं पूछने के लिए कि कहीं हमें यहाँ से कोई आशा मिल जाए। जब मेरे फादर साहब रिटायर हो गए हैं, अब तो पहले आर्मी में थे, 3.5 साल तक उन्हें एक दुष्ट आत्मा तंग करता था। किसी ने हमें कहा कब्र में जाओ, कब्र वालों के पास जाओ, वहां जाओ तो तुम्हें वो आजादी दिला देंगे। हम वहां भी गए, कोई आजादी नहीं मिली, कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं था। आज भी लोग कब्रों में जाते हैं, जो खुद कब्र में है वो कैसे हमें जिंदगी की राह बता सकते हैं? जो खुद जिनके पास जिंदगी नहीं है वो कैसे हमें जिंदगी दे सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं ही पुनरुत्थान यानी कि रेजरेक्शन, मैं ही पुनरुत्थान और जिंदगी हूं। हालेलुया। लेकिन हम भी कब्रों के पास गए ये समझते हुए कि ये कब्र हमें कोई तसल्ली दे देगी, लेकिन हमें कोई तसल्ली नहीं मिली, हमें सिर्फ निराशा ही मिली। अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्या सोचता है कि हाँ कब्र में जाके हमें तसल्ली मिल जाएगी, मैं आपको कहना चाहूंगी कब्र में मुर्दा रहते हैं, कब्र में जिंदगी नहीं है। औरतें कब्र में जा रही है, जब हम कब्र को देखते हैं हमारे अंदर मौत दिखती है, हमें क्या दिखेगा? मौत दिखेगी। हमें क्या दिखेगा? वहां पर निराशा दिखेगी। अगर आप कब्र को खोलेंगे क्या आएगा? बदबू आएगी, कब्र में कीड़े होंगे, कब्र में कोई जिंदगी नहीं है। कब्र इस बात को बताती है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। और प्रभु यीशु मसीह के चेले और जो ये औरतें जो उनकी सेवा टहल करती थी, उन्होंने भी यही सोचा था कि अब तो हम प्रभु यीशु मसीह की कब्र में जाएंगे। उनके पास कोई आशा नहीं थी, उन्होंने भी कुछ समय के लिए प्रभु के वचनों पर विश्वास करना छोड़ दिया। वो डरे हुए थे, तभी तो जाके छुपे हुए थे। पतरस छिपा हुआ था, यूहन्ना छिपा हुआ था, बार्तोमै छिपा हुआ था, एंड्रू छिपा हुआ था, याकूब छिपा हुआ था। कोई भी उस दिन प्रभु यीशु मसीह की कब्र पे नहीं गया सिर्फ इन औरतों को छोड़ के, क्योंकि वो डर चुके थे अब क्या होगा। हमें जो लीड कर रहा था हमारा लीडर, उसी को ही रोमन लोगों ने, रोमन राजा ने और जो सूबेदार था उसने सूली पे चढ़वा दिया, इसराइली लोगों के, यहूदी लोगों के कहने पे। उनके पास कोई आशा नहीं थी, उन्हें लगा अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। कई बार हमारी जिंदगी में भी हमें लगता है अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, कहां जाएं हमें समझ नहीं आ रहा है, हमारे सामने कब्र जैसा माहौल है, हमारे घर में उदासी हो सकती है, हमारे घर में निराशा हो सकती है। और ये औरतें कब्र में आ रही हैं इस बात को सोचते हुए नहीं कि वो जिंदा हो जाएगा, इस बात को सोचते हुए हम उसकी शरीर में जो मरा हुआ जिस्म है उस पे जाके कुछ लेप लगा देंगे। इन्होंने आशा छोड़ दी, इनके पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, जब मेरे फादर साहब बीमार हो गए, 3.5 साल तक एक दुष्ट आत्मा तंग करता था, लोगों ने कब्रों में जाने के लिए कहा, कोई हल नहीं मिला। लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से एक प्रार्थना करी और मेरे फादर को वहीं पे छुटकारा मिल गया। हालेलुया। क्योंकि हम जिंदा खुदा के पास आ गए थे जो कब्रों में नहीं रहता है। आमेन। ये औरतें अब हम देखेंगे 3 आयत में, और ये आपस में कहती थी हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? पत्थर, और ये छोटा पत्थर नहीं था कि हम हाथ से उठा के फेंक दे, ये बहुत भारी भरकम पत्थर था, उसको पूरी ताकत से लुढ़काया गया था। सील लगा दी गई थी वहां पे कि कोई उसको खोलने ना पाए। एक बड़ा पत्थर था, इनको कोई आशा नहीं थी कौन हटाएगा, हमारे लिए कौन करेगा। कई बार हमारे सामने जैसे मैंने आपको कहा कब्र जैसे माहौल आते हैं, कई बार ऐसे लगता है हमारे सामने से इस पत्थर को कौन हटाएगा, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, हर चीज धुंधली है। अब जब ये बातें कर रही हैं और ये कह रही हैं कौन कब्र के द्वार पर से पत्थर को हमारे लिए लुढ़काएगा, कई बार हमारे अंदर सवाल उठते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कोई रास्ता निकलेगा या नहीं, क्या हम इसी तरीके से जीते रहेंगे। जब आप प्रभु में विश्वास करते हैं ना, याद रखें हमेशा परमेश्वर एक रास्ता तैयार रखते हैं। आमेन। वो हमारे लिए दरवाज़ा खोलते हैं, जब वो दरवाज़ा खोलते हैं कोई इंसान उसको बंद नहीं कर सकता, कोई शैतान उसको बंद नहीं कर सकता, क्योंकि वो जिंदा है। शैतान इस बात को जानता है, वो भी थरथराता और कांपता है।
वो औरतें बात कर रही हैं, कौन हमारे लिए करेगा, कौन कब्र पर से पत्थर लुढ़काएगा। लेकिन जब उन्होंने आंख उठाई, सब कहे आंख उठाई, जब उन्होंने आंख उठाई, कई बार ना आंखें इधर उधर लगी होती है। दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता वहीं से आती है। हालेलुया, मुझे सहायता सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की ओर से आती है। आज लोगों ने अपनी निगाहें अलग अलग जगहों पर लगाई हुई है, दुनिया पे लगाई है, अपने आप पे लगाई है, अपनी परिस्थितियों पे लगाई है, लोग क्या कह रहे हैं उसकी तरफ लगाई है, अपने हालातों की तरफ लगाई है, दुनिया के हालातों की तरफ लगाई है। ये चीजें कई बार इंसान को झंझोड़ के रख देती है और उसको कमजोर बना देती है। लेकिन अगर आप वो व्यक्ति हैं जो अपनी आंखें परमेश्वर पे लगाते हो ना, हर समय हमेशा आपको एक रास्ता निकलने के लिए दिख जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब डैनियल को शेर की मांग में डाल दिया गया, उसकी आंखें शेरों पे नहीं थी कि ये मुझे फाड़ खाएंगे, डरा होगा वो बेशक, लेकिन उस टाइम में भी उसकी आंखें पता कहां थी, परमेश्वर पे। आमेन। उसकी आंखें ना ही राजा पे थी, लेकिन उसकी आंखें परमेश्वर पे थी। किस पे हम अपनी आंखें लगाते हैं? यूसुफ की आंखें परमेश्वर पे थी। जब उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में डाला, उसको गुलाम बना के बेच दिया गया, करीब करीब एक लंबे समय तक वो अपने बाप से अपने भाइयों से जुदा रहा। एक छोटी उम्र का लड़का, इतने हालातों से उसको जिंदगी में जाना पड़ा, लेकिन वचन में लिखा है परमेश्वर उसके साथ थे। क्यों? क्योंकि उसकी निगाहें परमेश्वर पे थी। आमेन। आज हमारी निगाहें किस पे है? पौलुस और सिलास जब जेल में थे, उनकी निगाहें परमेश्वर पे थी। उन्होंने अपने घाव को नहीं देखा, उन्होंने उन लोगों को नहीं देखा और ना ही उन लोगों को कोसा जिन्होंने उनको जेल में डाल दिया। उन्होंने उनकी तरफ नहीं अपनी आंखें उठाई जिन लोगों ने उनसे बुरा किया, बेइज्जती करी, लेकिन उनकी आंखें उस सब के बीच में भी परमेश्वर पर थी। हालेलुया। और जब परमेश्वर पे आंखें थी ना, परमेश्वर ने उनके लिए उन जेलों के दरवाजों को भी खोल दिया। ये है हमारा खुदा। हालेलुया। पत्रस जब जेल में है, दो सिपाहियों ने उसको पकड़ा हुआ है, उसके इर्द गिर्द है, आगे भी तीन फाटक है, उसमें भी सिपाहियों का पहरा है, और वो बाइबल में लिखा है चैन से सोया हुआ है। लेकिन याद रखे, उसको नहीं पता था कि कल उसके साथ क्या होगा, या तो उसको मार दिया जाएगा, उसके लिए कौन सी सजा तय की जाएगी। लेकिन आप देख रहे हो उसके अंदर सुकून, आप देख रहे हो उसके अंदर हियाव। कैसे एक व्यक्ति जिसको पता है कि उसको कल गला काट दिया जाएगा या उसको मार दिया जाएगा, वो आराम से सुकून में सोया हुआ है। लोगों के तो कुछ थोड़ा सा हो जाए, रातों की नींद उड़ जाती है, बेचैनी आने लगती है, नींद खराब हो जाती है, रात भर बेचैनी है, मन में तसल्ली नहीं है। लेकिन पत्रस, उसको पता है कल उसके साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो परमेश्वर की शांति में था और वो सुकून से सोया था। वो इतनी गहरी नींद में सोया था, परमेश्वर के स्वर्गदूत को आके उसको मार के हिलाना पड़ा, उठ जा, उठ जा। हालेलुया। ये है हमारा खुदा। हालेलुया। और उसके लिए परमेश्वर ने एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारे दरवाजे खोल दिए, क्योंकि उसकी निगाहें परमेश्वर पे थी। उन्होंने अपनी आंखें उठाई, औरतों ने। हमारी आंखें कहाँ पे लगी हैं? हमें अपनी आईज को फिक्स करने की जरूरत है। पौलुस कहता है मैं अपनी आंखों को मसीह यीशु पे लगाता हूँ। आई फिक्स माई आईज ऑन क्राइस्ट जीसस। मैं अपनी आंखों को, दाऊद कहता है मेरी सहायता कहीं और से नहीं, लेकिन सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की ओर से आती है। हमारी निगाहें किस पे लगी है? अगर हमारी निगाहें इधर उधर लगी है, हमें अपनी निगाहों को सेट करने की जरूरत है। प्रभु अपने चेलों को कहते हैं अपनी निगाहें उठाओ और देखो कि फसल तैयार है। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर तो लुढ़का हुआ है, जिसके बारे में वो सिर्फ अभी बातें कर रही हैं और उनको किसी ने बातें करते सुना नहीं है। सुबह सुबह का टाइम है,
लेकिन वो जिस चीज के बारे में चिंता कर रही है, ये पत्थर कौन हटाएगा, ये पत्थर कौन लुढ़काएगा हमारे लिए, ये पत्थर कौन लुढ़काएगा, दोनों आपस में बातें करते करते कब्र में आ रही है। किसी ने उनकी बात को नहीं सुना, लेकिन जैसे वो कब्र में आई, जिस बात के लिए उनकी चिंता थी, जिसके लिए उनका कंसर्न था, परमेश्वर जानते थे। और यहां पर उन्होंने देखा कि पत्थर तो लुढ़का हुआ है। आमीन। पत्थर क्या हो गया? जिस काम को वो खुद अपनी ताकत से नहीं कर सकती थी, उनके लिए ऑलरेडी हो रखा था। ओके? क्योंकि बाइबल में लिखा है, देखो उन्होंने देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है क्योंकि वह बहुत ही बड़ा था। उनको लगा ये कैसे हुआ, ये बहुत बड़ा था, किसने हटाया? हम जाएंगे मती 28:2। और देखो एक बड़ा भूडोल हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा। कहां से उतरा? प्रभु के स्वर्गदूत आए ना लोगों की मदद करने के लिए, वो आज भी एक्टिव है। याकूब ने देखा स्वर्गदूतों को चढ़ते और उतरते हुए। कनेक्शन, सीढ़ी देखी पहले तो उसने स्वर्ग से, फिर देखा स्वर्गदूत चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, यानी कि चढ़ रहे हैं इसका मतलब पहले वो धरती पे मौजूद थे। एक कनेक्शन देख रहे हो आकाश और स्वर्ग का और पृथ्वी का। आमेन। हमेशा कनेक्शन है, बस हमें अपने आप को ट्यून करने की जरूरत है ताकि हम इन चीजों को समझ जाए। और वो कहता है देखो एक बड़ा भूडोल हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। आमेन। किसने लुढ़काया पत्थर को? स्वर्गदूत ने। कहां से मदद आई? अरे थोड़ा जोर से बोले, कहां से मदद आई? आपको लगता है जिस परमेश्वर की आप सेवा करते हो या जिस सरकार के लिए आप काम करते हो स्वर्गीय, वो आपको ऐसी छोड़ देगी? क्या वो ऐसी छोड़ देगी? अगर किसी देश का एक व्यक्ति दूसरे देश में फंस जाए, खासकर अमेरिका का, वो जान लगा देते हैं उस अपने सिटीजन को वापस निकालने के लिए, चाहे उनका कितने भी डॉलर्स, मिलियन डॉलर्स लग जाएं, चाहे उनके सिपाही घायल हो जाएं, लेकिन उन्होंने पूरी श्योरिटी करनी है अपने सिटीजन को, नागरिक को उस देश से बाहर निकालना है क्योंकि उनका नागरिक मुश्किल में पड़ गया है। याद रखें, आप परमेश्वर की सरकार के लिए काम करते हैं और जब आप परमेश्वर की सरकार के लिए, स्वर्गीय सरकार के लिए काम करते हैं ना, वो हमेशा आपके साथ है। आमीन। वो हमेशा कहाँ है? आपके साथ है। एक स्वर्गदूत उतरा और उसने पत्थर को लुढ़का दिया। ये सब कुछ डिवाइन था, परमेश्वर का प्लान था, और उस पर बैठ गया देखने के लिए, अब देखता हूं कौन इसको हिलाएगा। स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, 5वीं आयत, स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। औरतें किसको ढूंढने आई थी? यीशु को। आज लोग बहुत कुछ ढूंढते हैं, बहुत कुछ ढूंढ रहे हैं लोग। कोई चंगाई ढूंढ रहा है जो कि बुरा नहीं है, चंगाई प्रभु हमें देते हैं। नाम ढूंढ रहे हैं, शान ढूंढ रहे हैं, शोहरत ढूंढ रहे हैं, पैसा ढूंढ रहे हैं, ब्लेसिंग बुरा नहीं है, परमेश्वर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उनकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब तुम्हारे साथ जोड़ दिया जाएगा। औरतें यीशु को ढूंढने आई थी, यीशु को ढूंढ रही है। हम किसको ढूंढते हैं आज? हमें यीशु को ढूंढना है। हमें यीशु के पीछे चलना है, यीशु के साथ रिश्ते में चलना है। वो यीशु को ढूंढती थी। अब हम जाएंगे मरकुस उसके 16वें चैप्टर में, उसकी 5वीं आयत। और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। देखो स्वर्ग भी इस चीज में इन्वॉल्व है। जब आप प्रभु के साथ चलते हो ना, स्वर्ग का आपको बैकअप है, स्वर्ग आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। 16 अध्याय उसकी 6वीं आयत पढ़ूंगी। और उसने उनसे कहा चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो किसको ढूंढ रही थी?
स्वर्ग जानता है आप किसको ढूंढ रहे हो, स्वर्ग जानता है आप किसको, आपके मन की भूख, आपके दिल में किसके लिए भूख है। वो कहता है जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहां नहीं है, यही वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। आमेन। स्वर्गदूत आके कहते हैं उन औरतों को, वो जी उठा है। वो क्या है? जी उठा है, वो मुर्दा नहीं है। तुम उसको कब्र में ढूंढ रही हो लेकिन वो जी उठा है। मौत भी उसके ऊपर काबू नहीं कर पाई। अगर आज यीशु आपकी जिंदगी में है, आपके अंदर परमेश्वर का पुनरुत्थान काम करता है। आमेन। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ काम करता है, इस बात को समझे। आपके अंदर, कहें मेरे अंदर परमेश्वर का सामर्थ काम करता है। मेरे अंदर यीशु के पुनरुत्थान का सामर्थ काम करता है। वो जी उठा है। अपने पड़ोसी को हिलाकर कहें, वो जी उठा है, वो जी उठा है, वो जी उठा है, वो जी उठा है। यीशुआ मेरा है शरण।